भागलपुर जिले के नवगछिया पुलिस ने जुड़ोमाइल से 20 पिस्टल के साथ दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्कर बेगूसराय जिले के पटेल चौक निवासी सोनू आलम और मुंगेर जिले के कटड़िया मुरलीपट्टी निवासी अरविंद कुमार बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों से 20 पीस अर्धनिर्मित पिस्टल, 20 पीस बैरल, 315 बोर्ड की 4 जिंदा कारतूस समेत 20,000 की नकदी और एक स्मार्टफोन बरामद किया है। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि बरामद किए गए पिस्तौल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, बस फिनिशिंग बाकी है। एसपी ने बताया कि पूछताछ के क्रम में दोनों तस्करों ने बताया कि पिस्टल मुंगेर से बेगूसराय आया, फिर वहां से उन लोगों को नवगछिया पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली थी। नवगछिया वे उन लोगों के द्वारा हथियारों की डिलीवरी की जानी थी, फिर यहां से भी पिस्टलों को दूसरे तस्करों द्वारा दूसरे राज्य में भेजा जाना था। नवगछिया में पिस्टल डिलीवरी का मिडिल पॉइंट था। एसपी ने कहा कि दोनों से पूछताछ के जरिए हथियारों के एक बड़े अंतर्राज्यीय सिंडिकेट की जानकारी मिली है, जिसके सदस्य नवगछिया में भी हैं। एसपी ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि हथियार की तस्करी में कई लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है, जिसमें कुछ ऐसे भी हैं जो कई कांडों में वांछित भी रहे हैं। आए दिन ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नवगछिया में हथियारों की डिलीवरी होने वाली है। सूचना पर पुलिस ने नवगछिया एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और कार्रवाई शुरू कर दी। टीम में नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार के साथ नवगछिया थानाध्यक्ष शैलेश कुमार, भवानीपुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार और दरोगा विकास कुमार शामिल थे। एसपी ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि गठित की गई टीम के पुलिसकर्मियों ने अच्छा काम किया है, सबों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। बीटी न्यूज बिहार के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। देखिए, ये गुप्त सूचना मिली थी कि हथियार तस्कर कंट्री मेड पिस्टल पे कहीं डिलीवरी करने वाले। इसी गुप्त सूचना पे एसडीपीओ नवगछिया श्री दिलीप कुमार के नेतृत्व में टीम गठन हुआ। इसमें एसटीएफ की फोर्स शामिल थी, थानाध्यक्ष नवगछिया और थानाध्यक्ष भवानीपुर का मिला के टीम गठन किया गया था। और गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी की गई और 0 माइल पर ही इसे गिरफ्तार किया गया। दो गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 20 जो सामने डिस्प्ले है, ये अर्ध निर्मित, लगभग निर्मित ही है, जो फिनिशिंग होना बाकी था, 20 एक्टिवेट पिस्टल विथ बैरल और 20,000 नगद रुपया, 4 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल बरामद हुआ है। पूछताछ करने से ये स्पष्ट हुआ कि इसका गिरोह में कई और अपराधी शामिल हैं, जो कई कांड में वांछित भी हैं। वो गिरफ्त नहीं हो पाया, हम उसे बहुत जल्द गिरफ्त अरेस्ट कर लेंगे। और इन लोगों का तार ये सप्लाई दूसरे राज्य में भी करते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी करते हैं। इनमें अच्छी खासी संख्या में लोग इन्वॉल्व हैं। ये लोग कहाँ से आ रहे थे, कहाँ से इसका सप्लाई? पूछताछ में जो करी आई है इसका, मुंगेर बेगूसराय, मुंगेर संबंध है, बेगूसराय संबंध है और ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने की बात। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? अभी 2 व्यक्ति गिरफ्तार। कौन कौन है सर? एक का नाम है सोनू आलम, एसर समी आलम साकिन हतारगंज बारा गली दूसरा रहने वाला है, दूसरा है अरविंद कुमार, एसर अनिल चौधरी, ये मुंबई का रहने वाला है। किन किन राज्यों में इसकी सप्लाई होती है? देखिए, निकटतम जो पड़ोसी राज्य है वहाँ पे सप्लाई करते हैं, उसके अपने आदमी होते हैं और सूचना ले जाते हैं। ये कहाँ सप्लाई होनी चाहिए? ये सप्लाई अभी स्पष्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि ये जो इसको लेना था डिलीवरी, उसकी अरेस्टिंग नहीं हो पाई है, तो उसके अरेस्टिंग के बाद ही होता है स्पष्ट किस राज्य में जाने वाला, क्योंकि जो पकड़ा है उसको ये मालूम था कि ये दूसरे राज्य में जाने वाला है। जिसके थ्रू जाने वाला था वो गिरफ्तार नहीं आ पाया है, वो गिरफ्तार में आएगा तो ये बातें थ्रू के सामने आएगी कि हथियार डिलीवरी किस स्टेट में या किस व्यक्ति के पास जानी है। इसके लिए जो टीम है उसको पुरस्कृत किया जाए? बिल्कुल, इसमें एसडीपीओ नवगछिया, एसएचओ नवगछिया, एसएचओ भवानीपुर, पीएसआई विकास कुमार, अच्छा काम किया। नवगछिया में सर इसकी डिलीवरी कहाँ होनी थी? नवगछिया में ये मिडिल पॉइंट था। नवगछिया में मुंगेर से बेगूसराय आया, बेगूसराय से नवगछिया आया, नवगछिया से फिर ये कई चेन में चलता है। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए लोग कई चेन में चलता है। कई बार ऐसा होता है कि एक चेन को दूसरे बारे में नहीं पता होता है, अगला बार पता नहीं रहता है, बस निकटतम पता रहता है कि इसने हमको दिया, ये कौन है उसे पता नहीं, किसको देना वो पता नहीं है।
इतना ही लोग गुप्त तरीके से काम करता है, तो फिर नगोशा से भी कहीं और जाता है, तो वो गिरफ्त में नहीं आया। ये कब की गिरफ्तारी है सर? कल की बात कर सकते।